वो देश का जाना माना चेहरा था। लोग उसे पसंद करते थे, उसकी जीत पर वाहवाही करते थे और उसे पलकों पर बिठाते थे। लेकिन तालिबान का खौफ ऐसा कि अफगानिस्तान का वो सितारा असल में ही सितारा बन गया, जिसे जरा सा भी डर नहीं लगा अपनी जान का। वो बस हवाई जहाज में चढ़कर भाग जाना चाहता था, तालिबान की ज्यादतियों का शिकार नहीं बनना चाहता था। लेकिन किस्मत उसके खिलाफ थी और आखिर में वही हुआ जो ऊपर वाले ने उसकी तकदीर में लिखा था। अलविदा, ज़ाकी अनवारी। नमस्कार, डेली बज़ इंडिया देख रहे हैं आप। तालिबान की बढ़ती ज्यादतियों के बीच अफगानिस्तान से एक और बुरी खबर आई है। तालिबान के कब्जे के बाद अफगानिस्तान छोड़ने की कोशिश में वहां के एक उभरते फुटबॉलर की मौत हो गई। अफगान न्यूज एजेंसी एरियाना ने इस बात की जानकारी दी। हर दिन अफगानिस्तान से ऐसे फोटोज और वीडियोस वायरल हो रहे हैं जो मन को अंदर तक झकझोर देने वाले हैं, जो ये बताने के लिए काफी है कि तालिबान अफगानिस्तान में बर्बादियों की कैसी इबारत लिख रहा है। हमने वहां की दिल दहला देने वाली कई वीडियोस देखी, जिनमें से एक था वो वीडियो जिसमें अफगानिस्तान के लोग हवाई जहाज के बाहर लटक कर भी काबुल छोड़ने के लिए तैयार दिख रहे थे। इस बीच वो वीडियोस भी आए जिनमें प्लेन से लटके कुछ लोग टेक ऑफ के बाद गिरते दिख रहे थे। और अब अफगान फुटबॉलर ज़ाकी अनवारी से जुड़ी दर्दनाक कहानी सामने आई है। न्यूज एजेंसी एरियाना के मुताबिक काबुल एयरपोर्ट से उड़े एक यूएस प्लेन से गिरकर ज़ाकी अनवारी की मौत हो गई। अफगानिस्तान का राष्ट्रीय फुटबॉलर अपने देश का एक उभरता सितारा था जो महज 19 साल का था। खबर के मुताबिक उसकी मौत अमेरिकी विमान USAF बोइंग C-17 से गिरकर हुई है। बीते 15 अगस्त को काबुल में जो हुआ वो किसी से छुपा नहीं है। अफगानिस्तान उस दिन अपनी उस आजादी को खो रहा था जिसे उसने 20 साल की मेहनत करके धीरे धीरे कमाया था, और आगे जो हुआ वो सबके सामने है। 15 अगस्त को तालिबान ने काबुल पर भी कब्जा जमा लिया। इसके बाद जान बचाने के लिए हजारों लोग काबुल हवाई अड्डे पर पहुंच गए। अफरा तफरी में बहुत से लोग वहां से उड़ान भर रहे थे और अमेरिकी सैन्य विमान पर चढ़ रहे थे। कोई पहिए से चिपका था तो कोई विमान में खाली जगह से लटकने की कोशिश कर रहा था, जिसका वीडियो भी हमें सोशल मीडिया पर हर जगह मिल जाता है। वीडियो में दिखा कि बहुत से लोग रनवे पर दौड़ते हुए विमान के पहियों के लिए बनी जगह पर बैठकर वहां से भागने की कोशिश कर रहे थे। इस दौरान तमाम दूसरे लोग भी विमान के साथ दौड़ लगाते नजर आए थे। तालिबान का आतंक दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। शांति कायम रखने के बड़े बड़े वादों के बाद वापस से एक बार फिर से तालिबान का असली चेहरा सामने आने लगा है। वो अफगानिस्तान पर ठीक वैसे ही सितम ढा रहा है जिसके लिए वो जाना जाता है। ज़ाकी अनवारी जैसे न जाने कितने ही ऐसे लोग होंगे जो खुलकर जीना चाहते होंगे। उनमें जज्बा होगा देश के लिए कुछ करने का, अपना नाम रोशन करने का। लेकिन अफसोस, वो नाम अब बस याद बनकर ही जहन में रहेगा और वजह बस एक, तालिबान। ये थी हमारी खबर, आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि दिन भर की बड़ी खबरें आपको मिलती रहे।